Hi friends, I Tejas Gandhi from Sun Educations. I welcome to all of you in our YouTube channel. Today we learn the series resistance. Uh, in this session, we will discuss what do you mean by series resistance, how to connect the all the resistance in series, then its advantages, its disadvantages, its applications, and the relations uh, between voltage, current, and resistance when all resistance are connected in series. सो लेट स्टार्ट दू डे से फर्स्ट ऑफ ऑल दी वॉट डू यू मीन बाई सीरीज रेजिस्टेंस सीरीज रेजिस्टेंस क्या होता है अ सीरीज सर्किट इज वन दैट हैज मोर देन वन रेजिस्टर बट ओनली वन पाथ थ्रू दर्किट विच हैज द इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्राम वन एंड ऑफ द सेल और बैटरी जैसे मान लो कि मेरे पास एंड नंबर ऑफ रजिस्टर है जैसे मान लो कि एक एक कोई भी एक ऑब्जेक्ट्स है अगर जैसे एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से और दूसरे ऑब्जेक्ट को तीसरे ऑब्जेक्ट से अगर तीनों तीन ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाए तो एक चेन बन जाएगी ठीक है जैसे ट्रेन होती है तो ट्रेन के एक कोच को दूसरे दूसरे को तीसरे और तीसरे को एक मेन इंजन से जोड़ा जाता है वैसा ही इसके अंदर कुछ है तो जितने भी रजिस्टर है वो कोचिस हैं और जो मेन इंजन है वो एक बैटरी है तो सिर्फ वैसा ही यहाँ पे सीरीज रेजिस्टेंस के अंदर तो सीरीज रेजिस्टेंस के अंदर क्या होता है कि जितने भी रेजिस्टर है वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं एक मतलब के रेजिस्टर वन जो है उसका एंड रेजिस्टर आर टू के स्टार्टिंग में होता है और आर टू का एंड वो बैटरी के नेगेटिव में होता है और बैटरी का पॉजिटिव आर वन के स्टार्टिंग में कनेक्ट होता है वैसे ए एन नंबर ऑफ रजिस्टर भी लगा सकते हो और इसके अलावा आप लैम्प या तो कोई इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस और कोई डिवाइस भी सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो द इलेक्ट्रॉन मूव अलोंग वन पाथ विथ नो ब्रांचेस यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्रांच होती है क्योंकि जो पॉजिटिव टर्मिनल का पॉजिटिव जो फर्स्ट टर्मिनल है आर वन आर वन का एंड आर टू के स्टार्टिंग में आर टू का एंड अगेन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी में कनेक्ट होता है मतलब कि एक ही पाथ होता है और एक पाथ के अंदर ही जो करंट फ्लो हो रहा है वो सब रजिस्टर के अंदर और जो टोटल करंट है वो सेम रहता है थ्रू द रजिस्टर टू द अदर एंड ऑफ द सेल ऑल द कॉम्पोनेंट आर इन ए सीरीज कनेक्टेड एंड टू एंड तो सारे कॉम्पोनेंट कैसे कनेक्टेड होते हैं एंड टू एंड मतलब बैटरी के दो टर्मिनल के बीच कनेक्ट होते हैं तो सिर्फ एक ही पाथ है तो करंट कैसा फ्लो होगा सेम फ्लो होगा जैसे हमने बात किया कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमने कहाँ कनेक्ट किया आर वन के स्टार्टिंग में आर वन का एंड टर्मिनल आर टू के स्टार्टिंग में आर टू का एंड आर थ्री के स्टार्टिंग में आर थ्री का एंड आर थ्री का एंड हमने कनेक्ट किया बैटरी के नेगेटिव टर्न मतलब कि सिर्फ एक ही पाथ हुआ तो करंट जो फ्लो हो रहा है तीनों तीन रजिस्टर में सेम फ्लो रहा है प्लस जो आपका सप्लाई करंट है टोटल करंट है वो कैसा फ्लो होगा सेम फ्लो होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए बी सी डी ये चार अलग अलग नोड्स हैं और ये चारों चार नोड़ में से आप जो रेजिस्टर कनेक्टेड है दो नोड़ के बीच R1, R2, R3 तो यहाँ पे जो रेजिस्टर है तीनों तीन रेजिस्टर की वैल्यू अलग अलग हो सकती है क्योंकि रेजिस्टेंस जो है मेनली हमने देखा था कि लॉ ऑफ रेजिस्टेंस में वो डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया तो यहाँ पे हो सकता है कि ये रेजिस्टिविटी R1, R2, R3 थ्री सेम नहीं हो सकते तो R1 हो सकता है R2 से ज़्यादा हो सकता है R2, R3 से भी ज़्यादा हो सकता है तो वोल्टेज आपका चेंज हो सकता है रेजिस्टेंस के हिसाब से और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है अपने फैक्टर्स के ऊपर तो जिस वैल्यू का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका वोल्टेज ज़्यादा होगा क्योंकि हमने ओम्सलो में दिखा था कि वी इज इक्वल टू क्या होता है आई आर वी इज इक्वल टू क्या होता है आई आर तो आर जिसका ज़्यादा उसका वोल्टेज ज़्यादा तो यहाँ पे तीनों तीन रेजिस्टर के एक्रॉस वोल्टेज अलग अलग हो रहे हैं मतलब कि सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिफरेंट होता है पर करंट क्या होता है सेम फ्लो होता है सोन इन फिगर द करंट आई विल पास थ्रू दी रेजिस्टेंस आर वन आर टू एंड आर थ्री जैसे हमने यहाँ पे देखा कि करंट आपका तीनों तीन रेजिस्टर में सेम करंट फ्लो हो रहा है अप्लाइंग ओम्स लॉ। जैसे मैंने बताया कि ओम्स लॉ के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो तो तीनों तीन का वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होगा क्योंकि तीनों तीन रजिस्टर की वैल्यू अलग होगी तो रेजिस्टेंस के हिसाब से जो वोल्टेज की फॉर्मूला क्या होती है वी इक्वल टू वायर होते हैं करंट तो तीनों तीन में सेम है पर वोल्टेज क्या होगा अलग अलग होगा क्यों क्योंकि R1, R2 और R3 की वैल्यू क्या होती है अलग अलग होती है पर यहाँ पे जो होता है टोटल वोल्टेज टोटल वोल्टेज क्या होगा V इज इक्ल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री होगा टोटल वोल्टेज आपका होगा तीनों तीन रेजिस्टर के एक्रोस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उनका एडिशन होगा तो इस हिसाब से हमने लिखा है वी इज इक्ल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री तो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि वी इज ईकल टू आई आर वन है तो यहाँ पर वैल्यू हमने तीनों तीन वोल्टेज ड्रॉप की सब्स्टिट्यूट कर दी और इसको हमने डिनोट किया इक्वेशन वन से सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस द इंडिविजुअल रेजिस्टर इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज एक्रॉस दी कॉम्बिनेशन अगर मान लो कि ये टोटल रेजिस्टेंस जो है आपका आर है जिसने आपने यहाँ पे तीन रेजिस्टर लगाए तो टोटल रेजिस्टेंस मान लो आपका टोटल रेजिस्टेंस क्या है आर है तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा टोटल सप्लाई वोल्टेज हम जो अप्लाई करें दैट इज इक्वल टू टोटल करंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस हमने इससे डिनोट किया इक्वेशन टू तो हमने इक्वेशन और वन टू वन और टू से क्या मिला तो हमने क्या किया कि इक्वेशन टू की वैल्यू इक्वेशन वन के अंदर सब्सटीट्यूट कर दी तो हमें फाइनली जब जी इक्वेशन को रीअरेंज किया तो हमें क्या मिला आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री मतलब कि यहाँ पे जो तीनों तीन रजिस्टर हैं उससे ये टोटल इक्वेलन रजिस्टेंस क्या होगा ज़्यादा होगा जैसे मान लो आर वन वन है आर टू टू है और आर थ्री थ्री है तो टोटल क्या हुआ सिक्स होम हुआ तो सीरी सर्किट के अंदर ये नोट कर लो कि टोटल इक्वल रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ऑलवेज ज़्यादा होता है तो अगर एन रजिस्टर आप कनेक्ट करते हो मान लो आप हंड्रेड रजिस्टर या थाउजेंड रजिस्टर भी लगाते हो तो उसके अंदर भी आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस अप टू आर एन ही होगा और टोटल रजिस्टेंस ऑलवेज इंडिविजुअल रजिस्टेंस से ज़्यादा ही होगा इसके एडवांटेजेस क्या है ईजी टू डिजाइन क्योंकि आप एक सिंपल पाथ है आपको सिर्फ वायर कनेक्शन भी ईजी है एक टर्मिनल में से दूसरे के स्टार्टिंग में दूसरे के एंड को तीसरे के स्टार्टिंग में और तीसरे के एंड को हम सेल से कनेक्ट किया बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो इट्स अ वेरी इजी कनेक्शन इफ अ कंपोनेंट ब्रेक्स द करंट फ्लो फ्लोस थी टू स्टॉप करंट स्टॉप स्टॉप हो जाएगा जैसे ही आपका सर्किट के अंदर कोई कॉम्पोनेंट ब्रेक हो जाता है जैसे मान लो कि सीरीज कनेक्शन के अंदर आर टर्मिनल के बाद R1 का एंड और R2 के बीच अगर कोई कनेक्शन ब्रेक हो जाता है तो किसी भी डिवाइस के अंदर करंट फ्लो नहीं होगा यहाँ पे लैंप भी कनेक्ट कर कनेक्ट कर सकते हो या तो कोई और डिवाइस भी कनेक्ट कर सकते हो इट एक्ट हैज़ ए करंट रेगुलेटर मतलब को वो करंट को क्या करता है रेगुलेट करता है मतलब करंट कॉन्स्टेंट रहता है द कॉस्ट टू बिल्ड इन ए सीरीज सर्किट इज़ लेस कंपेयर टू पैरल सर्किट क्योंकि पैरल सर्किट में बहुत सारे कनेक्शन होते हैं बहुत सारे वायर पैरल में कनेक्टेड होते हैं बल्कि यहाँ पे क्या होता है सिर्फ एक सीरीज कनेक्शन होता है एक एक सिंपल पाथ होता है उस वजह से यहाँ पे कॉस्ट Uh, कम हो जाती है क्योंकि इसके अंदर वायर कम यूज़ होता है मतलब कि मटेरियल भी कम यूज़ होगा जबकि पैरल कनेक्शन में नंबर ऑफ वायर ज़्यादा यूज़ होते हैं कंपेयर टू सीरीज सर्किट इसका लिमिटेशन क्या है इफ़ अ सिंगल बल्ब इन सीरीज इज़ ब्लोन जैसे मान लो अभी बात किया कि एक रजिस्टर या एक बल्ब भी अगर ब्रोक हो जाता है या तो कनेक्शन डिसकनेक्ट हो जाता है तो पूरी सर्किट के अंदर करंट स्टॉप हो जाएगा ठीक है ये इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है इफ़ द लोड इज़ इंक्रीज दैट मीन्स इफ़ मोर bulbs आर कनेक्टेड देन लाइट गेट्स dimmer. अगर मान लो आपने तीन रजिस्टर के हिसाब से कोई वोल्टेज वी अप्लाई किया है अगर आपने एक डिवाइस ज़्यादा कनेक्ट कर दिया है जैसे तीन लैम्प आपने सीरीज में कनेक्ट किया है और चौथा लैम्प भी आप कनेक्ट कर रहे हो तो उस वजह से आपका जो इसकी डायरेक्टली इफेक्ट किसके ऊपर होगी आपके सप्लाई वोल्टेज के ऊपर क्योंकि आपका क्या हो रहा है तीन रजिस्टर लगाए थे अब उस वजह से क्या होगा चौथा लैम्प भी आप कनेक्ट कर रहे हो तो वो भी एक वोल्टेज ड्रॉप कंजम्पन करेगा तो उस हिसाब से वो डायरेक्टली इफेक्ट उसकी क्या होगी फोर्थ लैम्प के ऊपर होगी और सप्लाई वोल्टेज के ऊपर होगी एप्लीकेशन क्या है जो कनेक्शन ऑफ रेगुलेटर विथ फैन जो आप फैन के साथ रेगुलेटर लगाते हो वो किसके लिए होती है उसकी स्पीड कंट्रोल के लिए आप उसको सीरीज़ में कनेक्ट करते हो क्योंकि रेगुलेटर के साथ ही फ़ैन कनेक्टेड होता है तो वो स्पीड को कंट्रोल करता है कनेक्टिंग दी लैम्प फॉर लो वोल्टेज यूज़ फॉर डेकोरेटिव पर्पस जैसे शादी में या तो फिर दिवाली में या तो कोई भी फंक्शन uh, के अंदर हम डेकोरेटिव लाइट्स यूज करते हैं जिससे हम एल ई डी लाइट्स और बहुत सारे लाइट्स हम लगाते हैं फॉर मेन परपज़ द डेकोरे पर सो वो सीरीज़ में कनेक्टेड होती है फ्यूज़ आर ऑल्सो यूज इन सीरीज़ फॉर प्रोटेक्टिंग द इक्वमेंट हमारे कनेक्ट हमारे घर में जो कनेक्शन होते हैं या इंडस्ट्रियल वायरिंग में कनेक्शन जो होते हैं तो फेस के साथ फ्यूज़ कनेक्टेड होते हैं तो वो नॉर्मली किसके लिए होता है अगर एक्सेसिव करंट हो जाए तो उसके अंदर फ्यूज़ के अंदर जो मेटल वायर है वो मेल्ट होकर ब्रेक हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि फ्यूज़ तो भले ही ब्रेक हो गया पर उससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारे जो अप्लाइंसिस है वो प्रोटेक्टेड रहेंगे और शायद हो सकता है कि अगर फ्यूज़ ना भी लगाए आप तो सारे अप्लायंसिस आपके डैमेज हो सकते हैं इस वजह से प्रोटेक्शन परपज़ फ्यूज़ मेनली होता है प्रोटेक्शन परपज़ और जितने भी आपने लैम्प्स और डिवाइसेस कनेक्ट करते हो वो किसके साथ कनेक्ट करते हो स्विचेस के साथ और वो हर स्विच हर अप्लायसिस को कंट्रोल करता है मतलब वो स्विचेस आपके अप्लायसिस के साथ कैसे कनेक्टेड होते हैं सीरीज़ में मतलब कि लाइव वायर के साथ सो आई थिंक ऑल ऑफ़ यू अंडरस्टूड दिस सीरीज़ कनेक्शन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस ऑन पारल कनेक्शन थैंक यू